सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। पृथ्वी की रचना आज से करीब 5 अरब साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी धरती पर कुछ ऐसे रहस्यों ने अपना बसेरा बना रखा है जिनके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया। बता दें कि धरती पर मौजूद इन रहस्यों ने न सिर्फ आम लोगों को हिलाकर रखा हुआ है, बल्कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के सामने सर झुका चुके हैं। बता दें कि इस अजीबोगरीब दुनिया में इस आधुनिक समय में भी अनोखे और रहस्यमय किस्सों की भरमार है। ऐसा हो सकता है कि आप इन रहस्यों में से कई रहस्यों के बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी रहस्यों की कोई कमी नहीं है जिसके बारे में आपने आज तक भी सुना नहीं होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल आज हम एक रहस्यमय विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड हुआ था। खबरों की माने तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान ने उड़ान भरी थी। बता दें कि इस फ्लाइट का नंबर था 914। फ्लाइट नंबर 914 में कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन वो विमान मियामी पहुंचा ही नहीं। कोई नहीं जानता आखिर ये विमान कहां गया। कई सालों तक अमरीकी सरकार ने इस विमान की खोज चालू कर दी, आसमान में वहीं समुद्र में भी इसकी जांच चालू कर दी, लेकिन किसी को इसके सबूत नहीं मिले। लेकिन इस हादसे के 37 साल बाद 21 मई 1992 में एक विमान करेकस वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगता है। बता दें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस विमान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी और ये एक अलौकिक विमान था। बता दें कि ये विमान 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में गायब हो गया था, शायद दूसरे आयाम में पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर कराकस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पायलट ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि ये कौन सा साल है। जब ग्राउंड स्टाफ ने बताया कि ये 1992 है, तब विमान के चालक गंभीर रूप से सांस लेने लगे और बोले, ओ माय गॉड। बता दें कि विमान में सवार लोग सोच रहे थे कि वो अभी भी 1955 में है और वो फ्लोरिडा में उतरे हैं। जब ग्राउंड क्रू विमान के पास पहुंचता है तो पायलट रेडियो पर चिल्लाता है, हम जा रहे हैं, हमसे दूर रहो। फिर वो विमान आकाश में ही कहीं खो गया और शायद अतीत में जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि विमान दूसरे आयाम में घुसकर भविष्य में पहुंच गया था और अभी भी वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वापस कैसे जाना होगा है। इस बारे में कुछ और ज्यादा नहीं पता है। वैसे भी रहस्यमयी घटनाओं पर लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि जितनी बातें होंगी उतने नए सवाल उठेंगे, लेकिन कुछ तो हुआ था उस फ्लाइट में। बहरहाल आपको बता दें कि ये आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर 37 साल तक ये जहाज कहाँ था, 37 साल के बाद आया भी, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि आखिर ये फ्लाइट कहाँ से आई थी और कहाँ चले गई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।